प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे परावर्तक दूरदर्शी। तो सभी साथी यहां ध्यान देंगे, परावर्तक दूरदर्शी। बच्चों, परावर्तक दूरदर्शी के पहले कल की क्लास में हम लोगों ने सीखा अपवर्तक दूरदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी के संदर्भ में। आज हम लोग सीखेंगे परावर्तक दूरदर्शी के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि वर्तमान में जो भी टेलीस्कोप या दूरबीन बनाए जाते हैं वो सब परावर्तक दूरदर्शी ही है। अपवर्तक दूरदर्शी का प्रयोग अब नहीं होता है, परावर्तक दूरदर्शी ही बनाए जाते हैं। परावर्तक दूरदर्शी कब आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों बनाया गया और परावर्तक दूरदर्शी कैसे वर्क करते हैं, इन सब का डिस्कस हम लोग शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले बिंदु बेटा कि अगर हम दूरदर्शी प्रयुक्त करते हैं तो दूरदर्शी में दो पाइपें होती हैं, एक ज़्यादा चौड़े मुँह की और एक कम चौड़े मुँह की। ज़्यादा चौड़े मुँह वाली पाइप से अधिक द्वारक और अधिक फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस लगा होता है और कम चौड़े मुँह वाली बेलनाकार नलिका से कम द्वारक और कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस अभिनेत्रक के रूप में लगा होता है। अब बच्चों, ये चीज तो ये स्पष्ट जान लीजिए कि हमारी वस्तु बहुत दूर है, क्योंकि दूरदर्शी का प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट और चमकीला प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। तो जब हम दूरदर्शी का प्रयोग करेंगे तो वस्तु हमारी जब बहुत दूर है तो उसका प्रतिबिंब स्पष्ट बन सके, इसके लिए हम दूरदर्शी के सामने जो अवदृश्यक लगाएं, जो वस्तु के सामने लेंस लगाया जाता है वो अवदृश्यक होता है, तो जो अवदृश्यक लगाएं निश्चित तौर पे अवदृश्यक बड़े द्वारक वाला हाई पावर हाई फोकस दूरी वाला होना चाहिए। अगर हम जो है अवदृश्यक के रूप में अधिक द्वारक के लेंस का प्रयोग करेंगे तो जो वस्तु बहुत दूर है उससे ज्यादा से ज्यादा किरणें लेंस पर आपतित होने की संभावना है, और जितने ज्यादा किरणें आपतित होंगी उतने प्रतिबिंब इस लेंस के द्वारा स्पष्ट चमकीला साफ सुथरा बनेगा। तो ये एक चीज तो ये क्लियर है कि मिस्टर अथर्व सिंह ये पक्का हो गया कि अगर दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट और चमकीला प्रतिबिंब देखना है तो पहली बात तय है कि जो दूरदर्शी का प्रयोग करें हम वो क्या होना चाहिए, बड़ा द्वारक वाला और बड़ी फोकस दूरी वाला होना चाहिए, तभी स्पष्ट और चमकीला और जो है बढ़िया साफ सुथरा फोटो बनेगी। तो अब तो हमको क्लियर हो गया कि हम अगर दूरदर्शी प्रयोग करेंगे अच्छा साफ सुथरा चित्र बनाने के लिए तो दूरदर्शी में अवदृश्यक ज्यादा द्वारक और ज्यादा फोकस दूरी का लेना होगा। अब बेटा, दूसरी एक अजीबोगरीब बात यह है कि अगर हम दूरदर्शी के रूप में उत्तल लेंस का प्रयोग करें, अवदृश्यक के रूप में उत्तल लेंस का प्रयोग करें और ज्यादा द्वारक का उत्तल लेंस ले लें, तो उत्तल लेंस जब ज्यादा द्वारक का होता है तो उससे आकार के कारण गोली विक्थन का दोष प्राप्त होता है, माने किसी एक ही वस्तु का कई जगह प्रतिबिंब बनता है और कई साइज का बनता है। इस दोष को हम जो है, अगर कोई वस्तु किसी लेंस के सामने रखी जाए और लेंस के आकार के कारण इस वस्तु का कई स्थानों पर और कई साइज का प्रतिबिंब बने तो ऐसे दोष को गोली विक्थन कहते हैं। कहने का मतलब गोली विक्थन ऐसे जान लो बेनु कि जैसे जो है ये अगर उत्तल लेंस है और ये अगर उत्तल लेंस है, यहाँ इसका जो है क्या है प्रकाशित केंद्र, और अगर इस पर बहुत सारी किरणें ऐसे आपतित हो रही हो मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसे हमें पता है कि ये किरणें लेंस के कहां पर केंद्रित होंगी, फोकस पर। बट अब देखा ये गया है कि अगर लेंस बहुत बड़ा होता है तो यहां प्रकाशित केंद्र के पास इसकी गोलाई ज्यादा होती है, तो यहां पर इसकी जो है वक्ता त्रिज्या ज्यादा होगी तो इसके लिए फोकस दूर मिलेगा।
इन किरणों के लिए फोकस बिंदु जो है दूर प्राप्त होगा, क्योंकि यहां पर लेंस ज्यादा गोल है, यहां पर वक्ता त्रिज्या ज्यादा है, तो वक्ता त्रिज्या ज्यादा फोकस दूरी, तो ज्यादा फोकस दूरी मिलेगी। लेकिन जो किरणें प्रकाशित केंद्र से बहुत दूर है, यहां पर लेंस की गोलाई कम है, माने इस स्थल वाले लेंस का वक्ता त्रिज्या कम है, और इसलिए इस किरण के लिए फोकस बिंदु और नजदीक प्राप्त होगा इस तरह से। तो कहने का मतलब देख रहे हो कि इस लेंस के आकार के कारण जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें लेंस पर आपतित हो रही है, वो भिन्न भिन्न स्थान पर फोकस बना रही है, यहां यहां। अब अगर इस लेंस के सामने हम वस्तु रखें तो निश्चित तौर पर लेंस के द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न स्थान पर और भिन्न भिन्न माप का बनेगा। ऐसे दोष को, प्रतिबिंब बनने के ऐसे दोष को गोलीय विपथन कहते हैं। ये लेंस के आकार के कारण संभव होता है। इधर चलिए, बुराई दोष, तो ये बात समझ में आ गई गोली विपथन। तो हम बता रहे थे जो है अभिषेक यादव कि अगर दूरदर्शी का प्रयोग करना है दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए, तो दूरदर्शी का जो अभिदिश्यक है वो अधिक द्वारक और अधिक फोकस दूरी वाला होना चाहिए। लेकिन अगर हम अधिक द्वारक और अधिक फोकस दूरी वाले अभिदिश्यक के रूप में उत्तल लेंस का प्रयोग करें, तो सबसे पहली बात कि ऐसा करने पर लेंस अगर प्रयोग करें हम जो है अधिक द्वारक और अधिक फोकस दूरी के रूप में, तो सबसे पहला दोस्तों सबसे पहली डिस्टर्बेंस तो ये होगी कि ऐसे जब जो है अवदिश्यक के रूप में उत्तल लेंस अधिक द्वारक और अधिक फोकस दूरी का प्रयोग करोगे, तो ऐसे दूरदर्शी से प्रतिबिंब भिन्न भिन्न स्थान पर और भिन्न भिन्न साइज का बनेगा, पर आप स्पष्ट और चमकीला प्रतिबिंब नहीं पाओगे, दोषयुक्त प्रतिबिंब बनाओगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उत्तल लेंस लेंस किसी जो है गोली कांच को तराश कर बनाया जाता है, ज्यादा द्वारक वाला उत्तल लेंस बनाना भी बहुत कठिन है। इजिली उत्तल लेंस अधिक द्वारक और अधिक फोकस दूरी का बन ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल समझिए। तो अब उल्टी बातें हो गई ना भाई, हमको दूरदर्शी चाहिए, दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट और चमकीला प्रतिबिंब चाहिए, और इसके लिए हमारे पास मजबूरी है कि अवदृश्यक के रूप में अधिक द्वारक और अधिक फोकस दूरी जो है का अवदृश्यक प्रयोग करना है। और अगर अधिक द्वारक और अधिक फोकस दूरी वाले अवदृश्यक के रूप में उत्तल लेंस की कल्पना करें, तो पहली चीज तो बन नहीं सकता, और दूसरी चीज बन गया तो वहां गोली विपथन का दोष होने लगता है। तो इन बातों को दूर करने के लिए साइंटिस्टों ने इसका उपाय खोजा और उत्तल लेंस के बजाय अवतल दर्पण का प्रयोग कर लिया। किसका प्रयोग कर लिया? और अवतल दर्पण अधिक द्वारक और अधिक फोकस दूरी का बनाना संभव है, एक बात। और दूसरा कि अवतल दर्पण अगर अधिक द्वारक और अधिक फोकस दूरी का है अवदृश्यक के रूप में, तो वहां जो है गोली विपथन का भी दोष नहीं होता। तो यही वजह है कि अब वर्तमान में आधुनिक दिनों में हम जो दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं, उस दूरदर्शी में दूर स्थित वस्तु का स्पष्ट और चमकीला प्रतिबिंब देख सके, पा सके, इसके लिए बच्चों दूरदर्शी के अवदृश्यक के रूप में अधिक द्वारक और अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करने के बजाय अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं, और ऐसे दूरदर्शी समरी बालो कहलाते हैं परावर्तक दूरदर्शी। और हमें रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप के बारे में पढ़ना ही है, और आपको बताना चाहूँगा कि अब जो टेलीस्कोप बनते हैं वो सब रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप हैं, और दुनिया का माने संसार का सबसे बड़ा परावर्तक दूरदर्शी कैलिफोर्निया में बना हुआ है, रखा हुआ है, और जिस जगह कैलिफोर्निया का एक शहर है माउंट पोलोमार, माउंट पोलोमार नामक स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा दूरदर्शी रखा हुआ है एक जगह सेट करके, जिसका जो है अवदिश्यक 5 मीटर लंबाई के द्वारक वाला है। 5 मीटर समझते हो कितना होता है? 5 मीटर कितना होगा जान लीजिए, मनुष्य की ऊंचाई ज्यादा 1.5 मीटर या 2 मीटर, माने हम लोग 1.5-2 मीटर के हैं,
5 मीटर माने बहुत ज्यादा हो गया, दीवार भी नहीं हो गई, यहाँ तक 1 मीटर यहाँ तक, तो ये तो मुश्किल से 3-3.5 मीटर है। हाँ ऐसा ऐसे कुछ 5 मीटर मतलब कितना बड़ा लेंस लगा होगा, दर्पण लगा होगा ना, कि पूरा आदमी का भी 3-4 गुना ऊंचाई है ना, तो बहुत बड़ा जो है रखा हुआ है माउंट पोलोमार कैलिफोर्निया के। तो अब बच्चों हम आपके सम्मुख रचना के साथ साथ क्रिया विधि का भी समावेश करते हैं और वो परावर्तक दूरदर्शी के लिए। तो ये चीजें क्लियर हो गई कि दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब स्पष्ट और चमकीला देखने के लिए दूरदर्शी का आवश्यक अधिक द्वारा दूरी वाला होना चाहिए, और हम लोग अधिक द्वारा अधिक दूरी के अपेक्षक के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और जो अवतल दर्पण है कैसे किस तरह से प्रयोग होता है ध्यान से देखिए, आगे बताते हैं। परावर्तक दूरदर्शी का सचित्र वर्णन प्रायः बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए प्यारे साथियों ध्यान से देखना, इसका चित्र बनाना थोड़ा जटिल है। और हम बिनु जी ध्यान से देखिएगा चित्र हमारे बनाने की स्टाइल, क्योंकि जो है आप लोग बनाओगे कॉपी में तो निश्चित तौर पे बड़ा गंदा बनेगा, निश्चित तौर शब्द लगा दिए हैं, मैथमेटिकल शब्द है, तो माने अब ये फिक्स है कि आप दूर नहीं हो पाओगे, इससे गंदा बनेगा, किले बड़ा उल्टा सीधा हो जाते। चलिए यहाँ देखिए जरा, परावर्तक दूरदर्शी में सबसे पहले तो एक अधिक चौड़े मुंह वाली बेलनाकार खोखली नलिका होती है। प्यारे साथियों एक बेलनाकार खोखली नलिका आपको दिखी चौड़े मुंह वाली, और इसके खुले सिरे पर अधिक द्वारक और अधिक फोकस दूरी का ये देखो अवतल दर्पण लगा दिए। मीनू जी देखा, इस अवतल दर्पण का नाम हम लोग यमोन रख ले रहे हैं सहूलियत के लिए। और ये इस अवतल दर्पण की क्या है, जोर से बोल दो, मुख्य अक्ष। ये अवतल दर्पण की क्या है साथियों, चित्र हमारे साथ देखते जाइएगा क्लियर होता रहेगा इधर क्योंकि, और जिस वस्तु को अवतल दूर जिस वस्तु को परावर्तक दूरदर्शी के द्वारा देखना होता है, परावर्तक दूरदर्शी के अवदेशक को उस वस्तु की ओर करते हैं सामने। चलिए यहां है, पूछो कौन कौन है यहां, अनंत में, ये अनंत में है ना, कैसे जाके आप लोग अनंत में मुख्य अक्ष के ऊपर बनाए हैं, इसलिए जाने अनंत में। मुख्य अक्ष पर जो वस्तुएं रहेंगी इसका मतलब उनकी दूरियां जो है परिमित है, निश्चित है। अब वस्तु को मुख्य अक्ष के ऊपर कर दो तो इसका मतलब वो वस्तु अनंत है, वस्तु अनंत में है। इधर क्लियर, क्या दूरदर्शी के द्वारा नजदीक वाली वस्तुओं को नहीं देख सकते हो, दूरदर्शी द्वारा छोटी वस्तु देखा जाता है मान्यवर, नजदीक या दूर नहीं मान्यवर, हम इसे पढ़ते हैं हम पढ़ाते हैं, याद ध्यान दीजिए, जिस वस्तु को देखना रहता है परावर्तक दूरदर्शी के द्वारा, वस्तु के अवदेशक को परावर्तक दूरदर्शी के अवदेशक को उसी की ओर करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हो इस वस्तु से थोक के भाव में किरणें आपतित होंगी, कहां पर, अवतल दर्पण पर। अब बीनू जी ध्यान दीजिएगा, हमारा हमने बताया कि फुल पटरी पेंसिल का प्रयोग करना तब भी चित्र गंदा गंदा बनेगा, दिखाई दे रही है क्या, वस्तु से किरणें आपतित हो रही हैं
और अवतल दर्पण यमुन पर। बच्चों ये अनंत से आने वाली किरणें हैं और अवतल दर्पण के फोकस पर केंद्रित होंगी, लेकिन परावर्तन के बाद। लेकिन अवतल दर्पण के फोकस के पहले हमने आपको लिखाया होगा भी कि एक जो है समतल दर्पण यम टू थोड़ा तिरछा झुका लगाया रहता है। हाँ, तिरछा मतलब 45 अंश के कोण पर झुका, इसलिए लगाए रहते हैं कि ये जो अनंत से आने वाली किरणें हैं ये जो है लेंस के दर्पण के फोकस पर केंद्रित ना हो बल्कि उसके पहले इस दर्पण पर आपतित हो जाए। ये किरणें कहाँ आपतित हो जाए? दर्पण पर। देखो आपतित हो रही है कि नहीं, किरणें दर्पण पर आपतित हो गई कि नहीं? नहीं तो पीछे कहीं जाके कटती, ऐसे ऐसे डट 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 करोगे भी तो ऐसे ऐसे कहीं कटती, प्रतिबिंब इडेंस विडेंस का बनाती। लेकिन हमने जो है इनके रास्ते में क्या रख दिया? समतल दर्पण। और समतल दर्पण रख दिया जब बुरु भाषा तो वो किरणें समतल दर्पण पर आपतित होगी और दर्पण का काम ही है किरणों को परावर्तित करना। तो ये किरणें परावर्तित हुई दर्पण से, देखें दर्पण से ये किरणें किससे परावर्तित हो रही है और जो है जहां परावर्तित हो रही है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब ए डैस बी डैस बना रही है, बना रही है कि नहीं? और बच्चों इस प्रतिबिंब को चूंकि यह अंतिम प्रतिबिंब नहीं है आपने जो है अभी लिखा था और हम बता भी दे रहे हैं कि परावर्तक दूरदर्शी में एक कम चौड़े मुंह वाली बेलनाकार नलिका होती है। परावर्तक दूरदर्शी में एक कम चौड़े मुंह वाली बेलनाकार नलिका होती है और जिसके खुले सिरे से कम द्वारक और कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस सेटअप होता है। ऐसे इससे जो है बड़ी वाली नलिका से ये दूसरी नलिका जुड़ी होती है। देखा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अधिक चौड़े मुंह वाली बेलनाकार नलिका से जुड़ी होती है एक कम चौड़े मुंह वाली बेलनाकार नलिका। जैसे जो पाइप होती है उसके ऊपर एक छोटी सी चौड़ी कम चौड़े वाली पाइप लगी रहती है, उसको हम इधर उधर घुमा भी सकते हैं, ये वही है। तो ये जो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश समतल दर्पण के द्वारा बना है, इस प्रतिबिंब को हम इस अभिनेत्रक लेंस के प्रकाशी केंद्र और प्रथम फोकस के बीच समायोजित करते हैं। किसके बीच समायोजित करते हैं? इसके प्रकाशी केंद्र और प्रथम फोकस के बीच समायोजित करते हैं। प्रथम फोकस इसका यही कहीं है, मान लो ये कहीं प्रथम फोकस है, ये हमारे जो है आई लेंस का प्रथम फोकस है। दिखा? Yes, sir. और ये जो है वस्तु को हम प्रकाशी केंद्र, ये प्रकाशी केंद्र है ई, और इसके मध्य समायोजित किए। तो आप जानते हो बेटा क्या होगा, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी ऐसे,
अपवर्तन के पश्चात लेंस के कहां से जाएगी? द्वितीय फोकस से। द्वितीय फोकस से जाएगी और दूसरी किरण इसके प्रकाशित केंद्र से। कोई डाउट? और यहां आप नेत्र बना देंगे, देख लेंगे किसको कहां बनेगा। ए डबल डैश बी डबल डैश ये मुख्य अक्ष है ना। ए डबल डैश बी डबल डैश ये ए डैश बी डैश वस्तु है और इसका ए डैश बी डैश का बहुत बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बन गया और नेत्रों द्वारा हम इसे देख लेंगे यहां से। इज दैट क्लियर? चित्र बनना एक बार फिर से समझा दे बेटा, ध्यान से देखिए जरा। चित्र आपने बोला थोड़ा गंदा बन जाएगा, आप लोग जब देख रहे हो किले उल्टा सीधा सेटअप करना। देखिए परावर्तक दूरदर्शी में एक अधिक चौड़े मुंह वाली बेलनाकार नलिका होती है जिसके खुले सिरे से अधिक द्वारक और अधिक फोकस दूरी का एक जो है क्या लगा रहता है, अवतल दर्पण यमुवन जो कि अभिदिशक के रूप में होता है अधिक द्वारक और अधिक फोकस दूरी का। और इसके प्रकाशी केंद्र या मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष पर फोकस के पहले एक समतल दर्पण यम2 45 अंश के कोण पर झुका कर रखा होता है। इस नलिका से एक और नलिका जुड़ी होती है और जिससे जो है कम चौड़े मुंह वाली नलिका के खुले सिरे से कम द्वारक और कम फोकस दूरी का अभिनेत्रक लेंस से जुड़ा होता है। इधर क्लियर बच्चों? ठीक। अब अवदिशक को वस्तु की ओर करते हैं जिसे देखना होता है। तो वस्तु ए बी से जो कि अनंत में है थोक के भाव पर किरणें आपतित होती हैं जो समतल दर्पण यम2 पर केंद्रित होती हैं या आपतित हो जाती हैं। इनके मार्ग में है इन्हीं पर केंद्रित हो गई। समतल दर्पण के द्वारा इन किरणों का परावर्तन ए डैस पर होता है, ऐसे लिखाएंगे। और ये किरणें ए डैस पर ए डैस बी डैस प्रतिबिंब बनाती है। यहां तक कहानी समझ में? प्रतिबिंब ए डैस बी डैस को अभिनेत्रक लेंस के प्रकाशी केंद्र और प्रथम फोकस के बीच एडजस्ट करते हैं। किरणें मुख्य अक्ष के समांतर और प्रकाशी केंद्र की ओर चलती हैं। पीछे बढ़ाए जाने पर ए डबल डैस पर कटती हैं। ए डबल डैस बी डबल डैस प्रतिबिंब स्पष्ट छटकेगा बन जाता है, बड़ा भी बनता है। और ये नेहा की आंख बनाए हैं उसे देख लिया जाता है। इज दैट ओके? ओके।